आज देखो खाने में बना हुआ है भाई, चावल हो गया और जो कद्दू होता है ना उसका साग पहाड़। ठीक सामने पे एक हिडन वाटरफॉल दिखा है। अब हम सामने आप लोग बिल्ली के मुंह पे देखो भाई, भाई साहब ये चूहा मार रखा है। और कहीं कहीं तो राजमा ना पकना भी शुरू हो गई है। रास्ते के ऊपर में देखो भाई, यहाँ पे पके हुए टमाटर भी दिख रहे हैं भाई। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। सुबह के अभी देखिए जी 10 बजे हैं, बाकी आज मेरी वीडियो की शुरुआत 10 बजे से हो रही है भाई। बाकी सामने देखो आप लोग, मंदमेश्वर घाटी से बहुत तेज वाली बारिश आ रही है। यहाँ नीचे साइड देखो भाई, आज मौसम लगभग क्लियर है। आजकल पहाड़ों में बहुत भयंकर वाली बारिश होती है भाई, और उसके साथ ही साथ ना लगभग हफ्ते डेढ़ हफ्ते तक धूप देखना मुश्किल हो जाता है। आसमान में पूरे बादल लगे रहते हैं, तो इसलिए भैया धूप देखना आजकल बहुत मुश्किल है भाई। और आपको पता होगा हमारे यहाँ से मदमेश्वर की यात्रा भी होती है। एक दिन पहले बर्तुली संगम में जो पुल था वो टूट गया था, लेकिन फिर क्या है कि वहाँ पे पुल लग गया है, तो आप लोग मौसम को देख करके अपनी यात्रा कर सकते हैं। वैसे आजकल यात्रा ना थोड़ा बहुत अपनी पोस्टपोन कर ही देनी चाहिए, जैसे ही मौसम ठीक होता है वैसे ही आप अपनी यात्रा करें, क्योंकि आजकल पहाड़ों का कोई भरोसा नहीं भाई। बारिश हुई और पूरी कभी कभी रोड ब्लॉक हो जाती है, लैंडस्लाइड हो जाती है, इसलिए मौसम विभाग को देख करके चले आप लोग। मैंने अभी कल की वीडियो भी पब्लिश नहीं की है, तो एक बार वीडियो को भी पब्लिश कर देते हैं। चलिए जी, अभी घर के राइट साइड आया हूँ। बाकी यहाँ पे देखो ये छोटे जो कुत्ते के बच्चे हैं ना, वो देखो इधर साइड आए हुए हैं। थोड़ी देर पहले फिर से बारिश लगना शुरू हो गई थी और फिर से देखो बारिश रुक गई है भाई। अभी आजकल पहाड़ों के मौसम का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, कभी भी कुछ हो रहा है भाई। कभी बारिश लग रही है, फिर मौसम सही हो रहा है, फिर बारिश लग रही है। बाकी ऊपर में देखिए जी, यहाँ पर दादी जी भी लगी हैं खेतों पे काम करने पे। आजकल धान के साथ साथ ही यहाँ पर ना बहुत सारी घास भी उगाती है, तो वही घास आजकल निकाली जाती है। कुछ दिन पहले मैंने आपको यहाँ पर बैंगन दिखाए थे जो कि छोटे छोटे हो रखे थे, और आज देखो थोड़ा सा बड़े हो गए हैं। इस पे ना फूल भी बहुत सारे लगे हुए हैं, ये नीले नीले फूल। इधर साइड देखो आप लोग, यहाँ पर भी कुछ बैंगन लगने लग गए हैं। तो चलिए जी, देखो खाना खाने का भी टाइम हो गया है। बाकी आज देखो खाने में बना हुआ है भाई, चावल हो गया और जो कद्दू होता है ना उसका साग, पहाड़ों में ये बहुत फेमस है। चलिए जी, शाम के अभी 4 बज गई है। बाकी यहाँ पर शाम के टाइम पे दीपक भैया भी आए हैं, और हमेशा अपने साथ अपना उड़न खटोला ये साथ चलता है यार। तो चलो आज आपको मस्त से ड्रोन शॉट दिखाते हैं भाई अपने मोहल्ले के। अब यहाँ ककड़ी के बेल पे देखो भाई, बहुत सारा फुलार लगा हुआ है, लेकिन अच्छा ये ककड़ी भी है लगी हुई यहाँ पे। वाह, ये देखो आप, एक ककड़ी लगी हुई है, और साथ में इस जगह पे बहुत सारी छोटी छोटी जो ककड़ियाँ हैं वो लगी हुई हैं। ये देखो भाई, 3 ककड़ियाँ, और इस वाली बेल पे ना यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर ककड़ी लगी हुई है। शाबाश शाबाश है मोंटी सिंह, मोंटी सिंह। आज देखो भाई, शाम के टाइम पे मस्त वाली धूप लगी हुई है, ये देखिए। वैसा मौसम पहाड़ों में बहुत कम देखने को मिलता है, मतलब ऐसा समझो तुम हफ्ते डेढ़ हफ्ते में एक बारी आती है धूप। अभी दीपक भैया यहाँ पे ड्रोन चला ही रहे थे कि ठीक सामने पे एक हिडन वाटरफॉल दिखा है। अब हम लोग तो उस साइड गए नहीं है, तो उतना पता नहीं चलता है उस वाटरफॉल का, लेकिन ड्रोन के थ्रू ना वो दिखा है। और मानसून के टाइम पे जब वो पहाड़ी के ऊपर से घिरना है ना, तो कितना प्यारा लग रहा है, देख सकते हैं आप लोग। तो वाह, ये एक चीज़ तो है भाई, ड्रोन के थ्रू ना जो ऊपर के व्यू होते हैं, एरियल व्यू, वो बहुत ही प्यारे आते हैं, बहुत ही गजब के। अरे जी, शाम की चाय का भी टाइम हो गया है। अब यहाँ पे देखो कुत्ता ना ड्रोन को देख रहा है। मोंटी का टाइम भी हो गया है, बाकी अपनी भी तैयारी हो गई है रांची जाने की। आजकल ना गांव में वॉलीबॉल स्टार्ट हो गया है। अब रास्ते के बगल साइड देखिए भाई, यहाँ पर ढेर सारी राजमा वगैरह लगा रखी है, और यहाँ पर ना राजमा की बेल पे लगाया जाता है ये रिंगाल के डंडे, देखो आप लोग। और इस पे देखो आप, पूरे ऊपर तक यहाँ पर राजमा जा रखी है भाई। इधर साइड देखो आप लोग, और कहीं कहीं तो राजमा ना पकना भी शुरू हो गई है। ये देखो पकी हुई राजमा ऐसे होती है। बाकी इस जगह पे मस्त से राजमा लगी हुई है, साथ में
पकने भी बैठ गई है। साथ ही साथ यहाँ रास्ते के ऊपर में देखो भाई, यहाँ पे पके हुए टमाटर भी दिख रहे हैं भाई। और कुछ दिन पहले देखे भाई, गोलू भी घर आ गया था। क्या हाल चाल? बढ़िया। कैसे ले तैयारी? बस बढ़िया। और आज गोलू का सोमवार का व्रत भी है जी। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। हाँ और सामने आप लोग बिल्ली के मुंह पे देखो भाई, भाई साहब ये चूहा मार रखा है। आखिर जेरी मर गया। और ये देखो, पता नहीं किसका बिल्ला है भाई। तो भाई जैसे ही बिल्ली के मुंह पे वो चूहा था ना, तो सामने से जो वहाँ पर ये पक्षियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा चू चू कर रही है। और इधर साइड भी देखो भाई, जो यहाँ पर कद्दू की बेल है ये बहुत बड़ी हो गई है फिलहाल, तो बहुत बड़ी भाई। यहाँ नीचे बहुत सारे कद्दू लगे होंगे। अब आते ही सबसे पहले यहाँ नहरे में एक बारी पानी पी लेते हैं। एक चीज़ है, यहाँ पर पानी पीना ना आदत टाइप की हो गई है रेगुलर। जब भी हम लोग यहाँ से गुजरते हैं तो इस जगह पर पानी हमेशा पीते हैं भाई। प्यास ना लगे हो तब भी पीते ही पीते हैं। सही बात। यहाँ ठीक ऊपर इस कांटे के पेड़ पे देखो भाई, यहाँ पे पक्षियों का घोंसला भी है। रेगुलर बारिश की वजह से देखो भाई, जो पानी भी है ना गधेरों का वो भी बढ़ गया है। कल के वीडियो में आपने देखा होगा, मैं ठीक नीचे पे गया था एक गधेरे में, तो वो पानी यही है भाई, यहीं से वो नीचे जाता है। और अच्छी बात आजकल रास्ते की ये है कि लोगों के लोगों ने ना यहाँ पे जो झाड़ियाँ हैं वो देखो तोड़ रखी हैं भाई। सांप का डर काफी होता है इस जगह। आजकल हरी भरी घास बहुत ज्यादा होती है पहाड़ों में, तो खच्चरों में देखो आप लोग घास लदी हुई है, लोग ले जा रहे हैं अपने अपने घर को। जैसे ही हरी भरी घास होना स्टार्ट होती है ना, थोड़ा थोड़ा बड़ी हो जाती है वो, तो जो ये हमारा गाय को चरने का एरिया है ना, ये देखो आप लोग गौचारा जिसको बोलते हैं, वो आजकल फिलहाल 2-3 महीने तक बंद रहता है। कब तक? दिवाली तक बंद रहता है। दीपावली स्टार्ट होती है ना, तब जाके ये सारी चार खुलती है गायों की। जैसे हमारी दिवाली स्टार्ट होती है तो वैसे ही गाय की दिवाली वो है कि उनको उनका जो जहाँ पर वो चरते हैं ना वो मिल जाता है, और उस टाइम भरपूर रहता है। हाँ, और उस टाइम पर घास भी भरपूर रहता है। और मानसून के टाइम पर हमेशा इस जगह पर टूट फूट होती है भाई, रोड के ऊपर पे यहाँ पे देखो आप लोग बहुत सारा मलबा आ जाता है नीचे साइड। अब 2013 के टाइम पे ना हमारे गांव साइड भी यहाँ पर लैंडस्लाइड हुई थी, तो ना लैंडस्लाइड जोन ना पूरा यहाँ पर था, जो आपको ये घर दिखाई दे रहा है ना उसके बगल पर तक था और यहाँ नीचे तक। बाकी फिलहाल तो इतने साल से मतलब ऐसा है कि पानी इस जगह नहीं कम आता है ना, तो इसलिए ये टूट फूट है ये कम हो रखी है। तू तो यही था ना उस टाइम पे? यस, हम यही थे। कैसे था माहौल? और उस टाइम माहौल बिल्कुल डर का माहौल रहता था। जैसे रात होती थी हम लोग ऊपर से पलायन करके गांव में आते थे। बरसात के टाइम पे ना, उस टाइम पे नीचे कांडा तरसाली कोई नहीं रहता था भाई, लोगों ने रांसी में रूम किए हुए थे और वहां पे रहते थे, इतना डर का माहौल था। यहाँ पर भी देखिए पिछले साल ना ये पत्थर ऊपर पे था और ये पत्थर भी खिसक के यहाँ रोड के साइड पे आया है भाई। मानसून के टाइम पे तो पहाड़ों में बहुत ही बुरा हाल रहता है भाई। साथ ही साथ मैं आप लोगों को भी बोलता हूँ, मानसून के टाइम पे ट्रैवल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि टूट फूट का माहौल रहता है। कहीं रोड ब्लॉक होगी तो लगभग आधा एक महीना रुकना पड़ सकता है। अब देखिए भाई, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि तुम्हारे गांव में होम स्टे वगैरह हैं कि नहीं है। तुम्हारे गांव में काफ़ी होम स्टे हैं भाई, जो कि रोड के अगल बगल ही हैं, और आजकल ना लगभग यहाँ पे जो लोकल गाड़ियाँ हैं वही देखने को मिलती हैं। बाइक नहीं रही दिखा से खिलाते बाइक ला ये दिखाइए। अरे वाह, एक्सपल्स पहले। ठीक है ठीक है। और ये देखो भाई, जैसे गाँव में आए ना तो वैसे यहाँ पे एक नए मॉडल की एक्सपल्स देखने को मिली है, देखो आप। वाह, तो चलिए जी अभी गांव में भी पहुंच गए हैं। और ठीक सामने पे देखो भाई, फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है, तो वहां पे देखो आप बारिश हो गया और धूप एक साथ लगी हुई है ना, तो वहां पे देखो इंद्रधनुष बना हुआ है। और ठीक नीचे पे देखो यहां पे दीपावारों का नया घर, तो अभी वो वहीं पे गए हैं काम वगैरह देखने के लिए। बाकी इसके बाद हमने जाना है ठीक ऊपर वहाँ ग्राउंड में। और ऊपर पे देखो आप लोग, इस टाइम पे ना दो दो इंद्रधनुष देखने को मिल रहे हैं। ये देखो भाई, एक यहाँ पर है एक वहाँ पर है। तो चलिए जी अभी हम लोग अपने गांव के फील्ड में भी पहुँच गए हैं। बाकी आजकल इसी जगह पे वॉलीबॉल खेला जाता है भाई ठाक। और इस जगह पे है अपना ग्राउंड, और यहाँ पे भी देखो भाई अभी काफ़ी प्लेयर आ गए हैं। अब यहाँ ग्राउंड में देखो भाई, आज यहाँ पर खच्चर भी चल रहे हैं, और साथ ही साथ मानसून के टाइम पे ग्राउंड में क्या होता है कि इधर साइड यहाँ पे पानी भी आता है भाई बहुत ज़्यादा, और लोगों ने देखो यहाँ पे कूल वगैरह बना रखी है भाई, ताकि खेलने में दिक्कत ना हो, क्योंकि पानी जैसे ग्राउंड में आता है ना तो फिर तो अगर एक बारी वॉलीबॉल थोड़ा सा ले 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 जी। अब लड़कों ने टीम भी कर दी है, बाकी अब वॉलीबॉल खेलते हैं भाई मस्त।
देखिए भाई लगभग 5 मैच हुए जिसमें से 4 हम लोग जीते, लगातार ऐसा रहता है। मतलब 3 टीमें रहती है बनर की, जो जीतेगा वो दूसरे के साथ खेला, फिर जो जीतेगा वो दूसरे के साथ खेलेगा, ऐसा कुछ होता है। लगातार 4 मैच जीते हम लोग, मजा आ गया आज खेल करके। चल भाई कैलाश मार, अब शॉट मार मार, शाबाश भैया। अभी शाम के टाइम पे यहाँ पर अपने छत्तीसगढ़ के कुछ फैमिली मेंबर मिले हैं, अपने सब्सक्राइबर मिले हैं। दूधनाथ साहू छत्तीसगढ़, अच्छा हिमांचल साहू छत्तीसगढ़, चुड़ामी साहू छत्तीसगढ़, नेहरू सिद्धार्थ छत्तीसगढ़, रूपधर साहू छत्तीसगढ़, चंद्रेश सिद्धार्थ छत्तीसगढ़, विजय डरसेना छत्तीसगढ़। अभी भैया लोगों ने मधमेश्वर का ट्रैक भी किया है, अच्छा लगा ना आपको? बहुत अच्छा लगा। चलो भाई, खासकर आपसे मिलकर इतना खुशी हुआ हमको, बहुत अच्छा लगा। आपका गांव भी बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गाँव के मंदिर में आज देखिए जी जागर भी लग रहे हैं, तो वहाँ पर चलते हैं, साथ में आपको दिखाते हैं। तो चलिए जी, मंदिर से आने के बाद अभी मैं दीपा भाई और के घर पे आया हूँ। बाकी यहाँ पर कुछ ड्रोन शॉट लेने थे मुझे, जो कि घर में लिए थे हमने। चलो चलते हैं अब घर, मिलते हैं ब्रेक के बाद।